हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री कोर्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जिस दिन शेयर मार्केट बंद रहेगा, हम कैसे उसको पता करेंगे कि आज भाई शेयर मार्केट बंद है या फिर कल बंद रहेगा, परसों बंद रहेगा, नरसों बंद रहेगा या फिर 4-5 दिन लगातार शेयर मार्केट बंद रहेगा, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि मान लीजिए, जैसे अभी एक्सपायरी 5 दिन बाकी है और 4 दिन इधर छुट्टी रहेगा, हॉलीडे रहेगा, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि यार कब कब हॉलीडे रहता है। और बिना कुछ जाने आप लोग अगर से ट्रेड ले लोगे और वहां पर कैरी फॉरवर्ड करके छोड़ देते हो, होल्ड करके छोड़ देते हो, तो वहां पर एक्सपायरी तो जो रहेगा वो नज़दीक आ जाएगा और आपका वहां पर लॉस हो जाएगा। क्योंकि जितने दिन तक आप होल्ड करके रखोगे उतने दिन तक थीटा आपका पैसा खाता रहता है और धीरे धीरे करके थीटा आपका पूरा पैसा खा जाएगा और आप बाद में सोच में पड़ जाओगे यार कि मेरा पैसा कहाँ गया, कैसे खा गया, कैसे खत्म हो गया, कैसे लॉस हो गया। आप लोग तरह तरह की सोच में पड़ जाओगे। अगर ज्यादा पैसे लगाओगे तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो आखिरकार हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में किस दिन मार्केट क्लोज रहने वाला है, ठीक है? तो इसे कैसे पहचानते हैं, हम आपको चार्ट के ऊपर लेकर चलेंगे, वहां पर उंगली रख रख कर समझाऊंगा, जिससे आप इन सभी चीजों को बड़े ही आसानी से समझ जाओगे और आप खुद पता लगा सकते हो कि किस दिन मार्केट क्लोज रहेगा, किस दिन ओपन रहेगा, ठीक है? लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग नहीं पता लगा पाते हैं, इसीलिए मैं अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी ना इन सभी का अपडेट और न्यूज देते रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूं, तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा। वो जुड़ना हमारे इस पर फ्री किया हूं, ठीक है? बहुत सारे लोग पेड करते हैं लेकिन मैंने उसको फ्री किया हुआ है, ठीक है? और दोस्तों, अगर आप लोग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबर पाना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल में सीखना चाहते हो ना, तो मैं अपने इस चैनल के ऊपर बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहा हूं। अगर आपको सीखना है भाई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, डेली पार्ट वाइज पार्ट करके मैं वीडियो लाता हूं, तो अगर आप डेली उन सभी पार्ट को देखोगे ना तो आप बहुत ही जल्दी ट्रेडिंग को सीख पाओगे। और दोस्तों, मैंने दो प्लेलिस्ट पहले से ही बनाकर रखा हुआ है, एक प्लेलिस्ट पहले बनाया हुआ है, एक प्लेलिस्ट अभी बनाया हूं जिसमें मैं डेली पार्ट वाइज पार्ट करके वीडियो डालता हूं। तो उन प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को अगर आप लोग देख ले तो समझ लीजिए कि आप ट्रेडिंग सीख जाओगे, ठीक है? तो अगर आप लोग उस प्लेलिस्ट के वीडियो को नहीं देखा है भाई तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो आप एक बार यार डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा तो आप लोग वहां से भी उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार हम कैसे पता लगाएंगे कि किस दिन मार्केट क्लोज रहता है या फिर क्लोज रहेगा, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो चलिए सीधे हम चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम पता लगाते हैं कि मार्केट कब ओपन रहेगा या फिर कब क्लोज रहेगा, ठीक है? दोस्तों, मैं निफ्टी में बता रहा हूँ तो आप बैंक निफ्टी में भी इसी तरह से पता लगा सकते हैं, फिन निफ्टी में भी पता लगा सकते हैं और किसी कंपनी के स्टॉक को भी पता लगा सकते हैं कि किस दिन मार्केट बंद रहेगा। दरअसल आप अगर निफ्टी को पता लगा लेंगे तो निफ्टी में जैसा जैसा मार्केट ओपन और क्लोज रहता है, सेम उसी दिन समझ लीजिए कि शेयर मार्केट क्लोज रहता है, ठीक है? क्योंकि निफ्टी में भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनी है, तो जो चीज़ निफ्टी में होता है वही चीज़ हर चीज़ में लागू होता है, ठीक है? जैसे निफ्टी में तो अपना रिलायंस भी आ जाता है, अडानी ग्रुप भी आ जाता है, टाटा भी आ जाता है, इंफोसिस भी आ जाता है, सब कुछ इसी में आ जाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है? तो स्टॉक की बात हम करेंगे तो रिलायंस तो अकेला पड़ जाएगा, निफ्टी में तो 50 आ जाती है, इसलिए जो चीज़ निफ्टी में होती है वही चीज़ हर कंपनी के स्टॉक में होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कल वाले वीडियो में या फिर इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मार्केट जो था वो 4 तारीख तक क्लोज रहेगा, ठीक है? लेकिन अभी बीच में ही अपडेट आ गया कि 4 तारीख को तक नहीं क्लोज रहेगा, 3 तारीख को मार्केट ओपन होगा और 4 को भी ओपन ही रहेगा, ठीक है? तो आखिरकार मैंने पहले पता कैसे लगाया था कि कब मार्केट क्लोज रहेगा, कब ओपन रहेगा। और आज जैसे बीच में NSE और BSE का अपडेट आया
कि 4 तारीख को मार्केट न ओपन होकर, 4 तारीख को तो होगा ही होगा, उसके पहले जो 3 तारीख पड़ेगा उस दिन भी मार्केट ओपन रहेगा। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाए थे वो अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मार्केट क्या था कि 29 तारीख तक खुला था। ठीक है, यहाँ पर जो नीचे आप देखोगे ये डेट लिखा होता है, जैसे 27 लिखा है यानी कि ये 27 तारीख था, 28 लिखा है यानी कि 28 तारीख था, 29 लिखा है यानी कि 29 तारीख था। ठीक है, एंड इसके इधर आप करके देखोगे तो 26 लिखा है यानी कि 26 तारीख था, इधर 25 लिखा है 25 तारीख था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 21 लिखा है, यहाँ पर 22, और 22 के बाद डायरेक्टली यहाँ पर चार्ट पर देखोगे तो 25 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 23 और 24 कहाँ पर गया, यानी कि नहीं लिखा है ना 23-24, तो 23 और 24 तारीख को यहाँ पर हॉलीडे था यानी कि छुट्टी था। 23 तारीख को तो यहाँ पर था भाई सैटरडे एंड 24 तारीख को था संडे। ठीक है, तो 2 दिन का छुट्टी था, इसीलिए जिस दिन छुट्टी रहता है वो यहाँ पर नहीं लिखा रहता है। अब 21 को मार्केट ओपन था तो दिया था, 22 को ओपन था तो दिया था, देखो 23-24 तारीख को क्लोज था तो नहीं दिया है, फिर 25 तारीख को यहाँ पर देखो दिया है, 26-27-28 इधर हर दिन मार्केट ओपन था तो सभी चीज़ का दिया है, देखो यहाँ पर 28-29। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए 29 तारीख के बाद में इधर कहाँ पर अभी डेट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली 4 तारीख लिखा है, यहाँ पर अक्टूबर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए 29 के बाद अक्टूबर लिख दिया यानी कि 29 तारीख के बाद 30 तारीख आता तो मार्केट यहाँ पर जो महीना था वो क्लोज हो जाता, लेकिन 29 तारीख तक मार्केट ओपन था, 30 तारीख को पड़ गया था आपका सैटरडे यानी कि सैटरडे के दिन शेयर मार्केट बंद रहता है, फिर संडे को बंद रहता है मार्केट। ठीक है, तो 1 तारीख को संडे था और 2 तारीख को था गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती था, 2 तारीख तक बंद था और 3 तारीख को भी बंद था, लेकिन NSE BSE का अपडेट आया कि नहीं 3 तारीख को मार्केट ओपन रहेगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली अक्टूबर लिख दिया है। अब इससे हमें क्या पहचाना कि अक्टूबर तो भाई कौन मतलब 4 तारीख के पहले दिन 3 दिन और पड़ रहा है तो कब छुट्टी रहेगा कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, देखो 30 तारीख को सैटरडे यानी कि छुट्टी रहेगा, 31 तारीख को क्या हो जा रहा है संडे यानी कि संडे को छुट्टी रहता है, फिर जो 2 तारीख था अपना 2 तारीख को था गांधी जयंती, तो गांधी जयंती के दिन छुट्टी रहता है ना 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती था उसके बाद में छुट्टी था, तो गांधी जयंती के बाद यहाँ पर डायरेक्टली अक्टूबर लिख दिया है, 2 तारीख तक छुट्टी था तो 2 के बाद कौन सा तारीख आएगा 3, तो 3 तारीख को मार्केट इसलिए ओपन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद में यहाँ पर लिखा है 4 को भी ओपन रहेगा, 5 को भी ओपन रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ जिस दिन छुट्टी रहेगा वो डेट यहाँ पर नहीं लिखेगा। ठीक है, देखो 4 को ओपन है, 5 को ओपन है, 6 को ओपन है, 6 के बाद यहाँ पर डायरेक्टली 9 लिखा है यानी कि 6 के बाद जो 3 दिन पड़ रहा है 7-8, ठीक है 7 और 8 को मार्केट यहाँ पर छुट्टी रहेगा, हॉलीडे रहेगा, तो 7 और 8 को क्या पड़ रहा है, 7 को भी रहेगा सैटरडे एंड 8 को रहेगा संडे, तो 2 दिन मार्केट का हॉलीडे इसमें हो गया। इसके बाद इधर देखोगे तो 9, 10, 11, ठीक है यानी कि जिस दिन दिन मार्केट ओपन रहेगा उधर क्लोज नहीं दिखा रहेगा। ठीक है, अब देखोगे तो इधर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जूम इन करके, यहाँ पर देखो 10, 11, 12, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 13 लिखा है। अब देखो ये डेट बहुत बार होता है क्या है ना कि अगर आप ऐसे इधर खसका कर देखोगे तो अभी ज़्यादा नहीं खसकेगा, इससे ज़्यादा नहीं खसक रहा है। ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे कि यार इसके पहले क्या है, किस दिन मार्केट क्लोज रहेगा, कैसे पहचानेंगे, तो ऐसे चार्ट के ऊपर 2 उंगली रखेंगे और ऐसे मिला देंगे यानी कि चार्ट को छोटा कर देंगे। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, जैसे देखो यहाँ पर ये चार्ट है अपना, ठीक है, तो यहाँ पर एक उंगली यहाँ पर, ऐसे 2 उंगली रख दिया और रखने के बाद ऐसे जब मिलाओगे देखो चार्ट छोटा हो गया ना, सिकुड़ गया, ऐसे सिकुड़ जाता है तो डेट यहाँ पर आसानी से दिखेगा। अब ऐसे करके देखोगे तो देखो इधर तक आ गया, ठीक है, इधर 12 तारीख तक आ गया। अब ऐसे और ज़्यादा सिकुड़ोगे तो देखो इधर और भी ज़्यादा डेट आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम 5-6 दिन या फिर 1 हफ्ते तक का देख लेंगे कि किस दिन मार्केट क्लोज है, बस वो इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत आगे तक देख के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने सिकोड़ा, अक्टूबर आ गया, फिर 4 आ गया, फिर ऐसे कर दिया 5 तारीख आ गया, 6 तारीख अपना आ गया, फिर इधर 7-8 का मार्केट बंद है वो देख लिया हमने कि हाँ 2 दिन मार्केट बंद है, फिर 9 आ गया, फिर 9 के बाद इधर देखो 10, 11, 12, 13, तो इतना दिन देख लिया कि मार्केट कब क्लोज है बीच में, तो वो हमें नॉलेज हो जाती है। ठीक है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, कभी
3-4 दिन का छुट्टी लगातार, मान लो कोई त्योहार पड़ गया, ठीक है, जैसे ईद पड़ गया, फिर ईद के बाद बाशी का ईद रहता है, ठीक है, तो वो दिन 2 दिन अगर लगातार मार्केट बंद रहता है तो 2 दिन लिखा रहता है। लेकिन कभी कभी मान लो 3-4 दिन का हॉलीडे रहता है ना, तो मार्केट में लोग बोर हो जाते हैं, तो NSE BSE भी सोचती है कि यार इतने दिन तक मार्केट क्लोज है, तो एक अपडेट डाल देती है कि नहीं इस दिन मार्केट ओपन होगा। और ठीक वैसा आज हुआ, तो मैंने यहाँ पर बताया था कि मार्केट 4 को ओपन होगा, लेकिन उसका न्यूज आ गया, देखो 3 को ओपन होगा, अब 3 को भी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके पहले 3 को भी यहाँ पर क्लोज था, अक्टूबर नहीं लिखकर डायरेक्टली यहाँ पर 4 लिखा था। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो यार बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, मैं आपके हर कमेंट का जरूर पढ़ूंगा और आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।